एक बात पूछूं मोटा भाई, रस्सी की बजाय तार से क्यों बांधा है मुझे? अगर पावर चालू हो गया ना तो बॉडी में भूकंप के झटके लगेंगे, ऐसे थोड़ी होता है। मैं सस्ता मोबाइल थोड़ी हूं जो आप मुझे चार्ज कर रहे हैं, घर जाने दीजिए ना। क्या तुम वही आदमी हो जो मुर्गा बनकर शहर में आतंक फैलाता है? जवाब क्यों नहीं देते? अभी तो बोल रहे थे चुप रहो, अभी बोलने के लिए बोल रहे हैं, बोलूं या चुप रहूं? आप बोल सकते हो। हाँ सांभलो सर, किसी उल्लू के पट्टे ने मुझे मुर्गा बनने का वाहियात आइडिया दिया। मुर्गे का ड्रेस सिलवाने के लिए अबुल हसन दर्जी के पास गया था और वहां पे भी उधारी चालू है। अगर सही जवाब नहीं दिया तो ऊपर खाता खुलवा दूंगा। सर आपको जरूर कोई गलत फैमिली हो रही है, चाहो तो आप मुझे लेफ्ट राइट सेंटर हर जगह से चेक कर लो, मेरी पूरी बॉडी चेक कर लो, मुर्गे का एक लक्षण भी नहीं मिलेगा क्योंकि मैं पैदाइशी गधेड़ा हूँ सर। लगता है तू ऐसे सच नहीं उगलेगा। सर इस मासूम को परेशान मत करो, कांडा स्वामी आपको छोड़ेगा नहीं। ले जाओ इसे। ये सब मेरे साथ ही क्यों होता है? उसके हाथ में इतना लंबा क्या है? चुप कर गंदा आदमी। जल्दी से पानी चालू कर। अबे तूने ही अपने तालाब चोरी होने की रिपोर्ट लिखाई थी ना? अरे उसे ढूंढते ढूंढते तो मैं पागल हो गया, मेरा डिमोशन हो गया, इंस्पेक्टर से सीधे हवलदार हो गया, यहाँ ट्रांसफर हो गया। अब क्या किसी ने तेरा खेत चुरा लिया या पूरा का पूरा गांव चुरा लिया? मैंने मजाक किया था भाई, अभी कॉमेडी दिखाता हूँ, तालाब के साथ तुझे भी गायब कर देता हूँ। कहाँ चला गया, कहाँ गायब हो गया? कहाँ गया पता नहीं। सर ये तो आराम से बैठ कर नहा रहा है। पब्लिक बाथरूम समझा? आखिरी बार 2012 में नहाया था। इतने गंदे हो गए। पानी का फोर्स डबल कर दो। सर ये तो सजा का मजा ले रहा है। पानी पानी। अरे यार बंद क्यों किया, पानी डालो। अभी तो पानी में मजा आना शुरू हुआ था। यहाँ रेन डांस करवाने बैठे हैं। मैं पानी में सुसु करने वाला था, पानी रोक दिया तो पता चल जाएगा। बाथरूम के साथ टॉयलेट भी बना दिया है सर। अरे यार छे, ये कंट्रोल नहीं होता। पानी के बजाय इस गधे पर डंडे की बरसात करो। अब यहाँ कल शाम से थोड़ा दुख रहा है, इधर नाश्ते में ढोकला कम खाया क्या, जोर से मारने। बस 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 बदन पे पानी डाल, पानी डाल। कीप गोइंग बेबी। जाकुजी जाकुजी यम यम। ये आ क्या कर रहा है? ये डंडा हटा। यहाँ सुसु क्यों किया? 6 साल पहले की बात है, पेट के अंदर पथरी का पहाड़ बन गया था। सारे डॉक्टर हकीमों ने कहा कि ये पहाड़ हम नहीं तोड़ पाएंगे, बंगाली चूरन भी खाया, पर आज 2 मिनट में प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। ये डंडा इसने यहाँ दबाया और पथरी पिघल के सुसु में निकल गई। सर इसने पुलिस स्टेशन को सरकारी डिस्पेंसरी बना दिया है। इससे पहले कि मेरा बीपी बढ़े, एक सेकंड में दफा हो जा। पहले समझाया तो समझे नहीं, बोला था गलत फैमिली हो रही है, एक सेकंड, फिर से बीमार पड़ा तो इसी डिस्पेंसरी में आऊंगा। और हाँ पुलिस स्टेशन का हॉस्पिटल बनवा दो, ऊपर की कमाई भी हो जाएगी। ए, जा रहा है कि लात मार के निकालो। ठीक है जाता हूं, कपड़े पहन लेता हूँ, जल्दी जल्दी। गीले कपड़े घर जाके सुखा दूंगा। सॉरी जले हुए आलू। डीआईजी ने इस लेटर को फाइल में लगाने के लिए कहा है। तुम कौन हो? आप मुझे नहीं जानते पर मैं आपको जानता हूँ। यहाँ किस लिए आए? मैंने आपकी प्रार्थना सुनी, कल सुबह 10 बजे आप अपनी जमीन बेच देना। कल तक तुम माँ कहा करते थे अपनी इस जमीन को, और आज इसी जमीन को बेचने जा रहे हो। कांता स्वामी ने सपने में मुझे इसे बेचने का आदेश दिया, इसीलिए मैंने हाँ भरी। बिल्डर को 10 बजे आने के लिए बोला है, कोई बीच में नहीं बोलेगा। इस जमीन को खरीदने वाले बड़े सरकारी ऑफिसर्स हैं, साइन करने के लिए गांव के पटवारी भी आए हैं। यहाँ पे दस्तखत कीजिए। दस्तखत कर दूंगा, पहले पैसे तो दो। काफी है, अब जल्दी साइन कर, इससे पहले कितना इरादा बदल जाए।
कहीं ये इनकम टैक्स वाले तो नहीं है? ये पैसा मेरा नहीं है, कस्टमर्स का है, आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स का है। बेकार में पंगा मत ले मुझसे। एक काम करो, उनसे कहो कि मुझसे बात करे। तेरी इच्छा अभी पूरी कर देता हूँ। हेलो, एक सीबीआई ऑफिसर बात करना चाहता है। तेरे दिमाग में अक्कल है कि नहीं? क्या तूने हम में से किसी का नाम तो नहीं बताया ना? नहीं सर। ये सब ब्लैक मनी है, उसके साथ हमारा नाम जुड़ गया ना तो हमारा कैरियर खत्म हो जाएगा। सीबीआई हम सबको जेल में डाल देगी। फुटो वहां से। भागो। वो भाग गया सर। एक मिनट, इधर आ। ये रख लो। ये किसी और का पैसा है, मैं नहीं रख सकता। किसी और का पैसा नहीं है, अगर होता तो इन पैसों को छोड़कर ऐसे ही भाग नहीं जाते वो लोग। इन पैसों पर आपका हक है। आप भगवान हैं। मेरी चिट्ठी पढ़कर कांता स्वामी ने इन्हें यहाँ भेजा होगा। जय कांता स्वामी। ये उन फॉरेनर्स के स्केच हैं जिन्होंने गांव वालों को सड़क बनाने के लिए पैसे दिए। स्टेट के सारे पुलिस स्टेशन में ये स्केचेस फैक्स करवा दो। सारे होटल, सारे बीच रिसॉर्ट्स में जाके चेक करो। हाल ही में हुई रेड का और कांता स्वामी में क्या कनेक्शन है, हमें बता सकते हैं? उस किसान ने बताया, ना सिर्फ उसके खेत बच गए, साथ ही एजेंट के छोड़े पैसे भी मिले, और ये सब हो पाया भगवान कांता स्वामी की वजह से। ऐसे में अहम सवाल ये उठता है, सीबीआई की रेड एन वक्त पर ही क्यों पड़ी? कैमरामैन दयाल के साथ जितेंद्र, रिपोर्टिंग फॉर सन टीवी। हम कहां जा रहे हैं सर? एक परम मित्र से मिलने सर, जिसकी सीबीआई में बहुत पहुंच है। ए, जा देख कौन आया है। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, हाउ आर यू मैन? कम। कांता स्वामी का केस मैं ही हैंडल कर रहा हूँ। यू मीन कांता स्वामी टेम्पल? मैंने सुना है। आई एम श्योर इट मस्ट बी वेरी चैलेंजिंग। चैलेंजिंग है सर। आपसे कुछ डिटेल्स जानने के लिए यहाँ आया था। सीबीआई ने अपनी रेड शाम 10 बजे की। उन्हें पता कैसे चला कि डील 10 बजे होने वाली है? सिर्फ तुम्हारे पास ही इन्फॉर्मर नहीं है। जानते हो ना, सीबीआई से सब डरते हैं। मुझे फोन पे कहा, चाहे सारा पैसा डूब जाए, उनमें से किसी का भी नाम बाहर नहीं आना चाहिए। सेंट्रल गवर्नमेंट के कई सीनियर ऑफिसर्स रिश्वत में कमाया काला पैसा रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, ये खबर मिली थी। मैंने ही उन्हें ये रेड करने के ऑर्डर दिए थे सर, इसे ज्यादा कुछ नहीं बता सकता। सर एटलीस्ट मैं रेड करने वाले उन ऑफिसर्स का नाम जान सकता हूँ? उनकी लिस्ट तुम्हें दे सकता हूँ। उस बुड्ढे किसान की मन्नत पूरी हो गई, कांता स्वामी भगवान ने आके उसकी मदद की। आज रात को ठीक 10 बजे उस किसान के पूरे परिवार को जिंदा जला दो। देखते हैं भगवान उसे बचाने के लिए आता है या नहीं। अगर आया भी तो उसे भी देख लूंगा। आज अंत हो जाएगा कांता स्वामी का। कांता स्वामी आईपीएस। कौन हो तुम लोग? जाके देखो कौन है।
आराम से गिरा। सॉरी यार, सॉरी प्लीज। अरे क्या कर रहा है, इनको जल्दी मारना। जला दो इनको, उन्हें जलाने वाले हैं, जल्दी आओ। सुन लिया, जल्दी करो रोल।